नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे दिमाग के बारे में। हमारा दिमाग एक अद्भुत अंग है जो हमारी पूरी चेतना और सोच को नियंत्रित करता है। यह हमारी याददाश्त, भावनाओं और हर एक क्रिया को नियंत्रित करता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे जटिल अंग है। यह हमारे सिर के अंदर खोपड़ी में स्थित है। यह लगभग 3 पाउंड का होता है और इसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं जो हमारे दिमाग को काम करने में सक्षम बनाता है। हमारा दिमाग लगातार काम कर रहा है, यहाँ तक कि जब हम सो भी रहे हैं। यह हमारे शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है और हमारे विचारों, भावनाओं और यादों को भी संग्रहित करता है। जब हम कुछ देखते या सुनते हैं तो हमारा दिमाग उस जानकारी को न्यूरॉन्स के नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित करता है। यह जानकारी तब हमारी चेतना में परिवर्तित हो जाती है और हम इसे समझने में सक्षम होते हैं। हमारे दिमाग को कई भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग एक अलग कार्य करता है। कुछ प्रमुख भागों में शामिल हैं एस्टरिस्क सेरेब्रम। यह हमारा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारी सोच, स्मरण और भाषा को नियंत्रित करता है। एस्टरिस्क सेरेबेलम। यह हमारे संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। एस्टरिस्क मेडुला ओब्लोंगेटा। यह हमारे हृदय और श्वास को नियंत्रित करता है। एस्टरिस्क हाइपोथैलेमस। यह हमारे शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। हमारा दिमाग एक अद्भुत अंग है जो हमें पूरी तरह से काम करने में सक्षम बनाता है।